दोस्तों इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसको चालू करने के बाद जब काम करने के लिए यूज कर रहे हैं तो ये वाला फ्री घूमने लग जा रहा है। देखिए रुक जा रहा है, देख रहे हैं। तो इसमें यही हेलो दोस्तों, आपको इलेक्ट्रिकल लतेंद्र में स्वागत है। तो दोस्तों मेरे पास है कि एक पेंसिल ग्राइंडर आया है, ये डिवाल्ट कंपनी का है। तो ये जिनका पेंसिल ग्राइंडर है वो बोल रहे हैं कि ये मशीन चल रहा है, ये नहीं कि नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जब काम करने के लिए हम इसको ऐसे मतलब काम करने के लिए यूज कर रहे हैं तो ये मतलब चल नहीं रहा है, बंद हो जा रहा है। मतलब इसके अंदर चल रहा है मशीन लेकिन ये नहीं चल रहा है, ऐसे करने पे ये रुक जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों मैं ऐसा फ्लाई दे दिया, तो अब मैं इसको चालू करके आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। और थोड़ा सा साउंड भी यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, थोड़ा अलग सा साउंड इसमें आ रहा है। तो देखिए मैं चालू कर रहा हूँ इसको, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए चल रहा है, देखें रुक गया ये, देखिए रुक गया। ओके, तो इसमें यही प्रॉब्लम है दोस्तों, ये चालू रहता है लेकिन ये वाला काम नहीं करता है। ठीक है, देखिए रुक जा रहा है, तो इसमें यही प्रॉब्लम है और साउंड भी डिफरेंट टाइप का आ रहा है। ओके, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, साउंड भी अलग हो रहा है। ओके, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक मेरे इस चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उसके बाद से बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों इसमें कोई ज्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं है, एक छोटा सा फॉल्ट है, उसको आप सही कर लेंगे तो ये मशीन आपका चलने लगेगा। तो इसमें यही प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा। 1 2 3 4 चारों स्क्रू को ओपन करेंगे तब जाके क्या होगा कि ये हाउसिंग कवर ही आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहीं पे एक पीवीसी का कैपलिंग लगता है, वो वाला खराब हो जाता है, तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है। ओके, तो अब मैं इसको ओपन करूंगा। वो पीवीसी क्या होता है कि वो चलते चलते पूरा घिस के कट जाता है, कट के छोटा हो जाता है, इसके वजह से ये फ्री घूमने लगता है। इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, बस वो पीवीसी का ही प्रॉब्लम है। उसका प्राइस भी बहुत कम आता है, ज़्यादा प्राइस का नहीं आता है। देखिए ये वाला पीवीसी है, इसी के वजह से क्या हो रहा था दोस्तों कि अपना पेंसिल ग्राइंडर फ्री हो जा रहा था, चल नहीं रहा था। तो देखिए एक मेरे पास ये नया है, देख रहे हैं, देखिए आपको निकालता हूँ मैं, देखिए निकाल के दिखाता हूँ इसमें डिफरेंट क्या है। तो देखिए ये देखिए और इसका देखिए, देख रहे हैं, ये वाला पुराना वाला है और ये वाला नया वाला है। तो देखिए डिफरेंट, देख रहे हैं, ये छोटा हो गया है कट कट के, इसी की वजह से दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो अब क्या करेंगे कि अब इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे लगाएंगे नया वाला, उसके बाद से इसको भी हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए इसको ऐसे आराम से डालेंगे। ओके, तो इस तरीके से डालने के बाद अब आपको इसको टाइट करके फिर हम इसको आपको चालू करके दिखाऊंगा। ओके, देखिए दोस्तों मैंने इसको टाइट कर दिया चारों स्क्रू को, अब आपको देखिए चालू करके दिखा रहा हूं मैं, देखिए देख रहे हैं, देखिए चल रहा है और रुक भी नहीं रहा है ये। ठीक है, चलने के बाद रुक भी नहीं रहा है, देख रहे हैं। तो इसमें यही प्रॉब्लम था, ये खराब हो चुका था, तो इसको चेंज करने के बाद ये सही हो गया। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए रिपेयरिंग के संबंधित प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।